आमिर खान प्रोडक्शन हाउस के सोशल मीडिया पोस्ट ने दबंग स्टार सलमान खान और आमिर खान के मदाहों को तजस्सुस में मुब्तला कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने गुज़श्ता रोज 21 अगस्त को मेगा स्टार सलमान खान के पुराने ट्वीट पर रद्द अमल दिया। सलमान खान ने साल 2010 में समाजी राबते की वेबसाइट एक्स यानी साबिक ट्विटर पर अपनी एक पोस्ट में लिखा था कि मैंने फिल्म अंदाज अपना अपना के बाद आमिर खान को मुझे छूने नहीं दिया, यानी दोबारा इनके साथ कोई फिल्म नहीं की। अगर वो मुझे सोने में बदल देते तो दबंग स्टार के इस पोस्ट पर 14 साल बाद आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने रद्द अमल दिया है। प्रोडक्शन हाउस ने कहा कि हम इस बारे में बहुत सोचते हैं। प्रोडक्शन हाउस के रद्द अमल ने सोशल मीडिया सार्फीन की तवज्जो हासिल कर ली है। मदाहों का कहना है कि सलमान खान और आमिर खान बहुत जल्द फिल्म में एक साथ नजर आएंगे। यह रद्द अमल इसी की तरफ इशारा है। वाज़ह है सलमान खान और आमिर खान आखिरी बार साल 1994 में रिलीज होने वाली फिल्म अंदाज अपना अपना में एक साथ नजर आए थे। ख्याल रहे इन दिनों सलमान खान अपनी फिल्म सिकंदर की शूटिंग में मसरूफ हैं, जो कि साल 2025 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। दूसरी जानिब आमिर खान ने हाल ही में अपनी अगली फिल्म सितारे जमीन पर की शूटिंग मुकम्मल की है। फिल्म रवा बर्स क्रिसमस के मौके पर रिलीज की जाएगी। फिल्म में आमिर खान के मद्दे मुकाबले जेनेलिया डी सिल्वा किरदार अदा कर रही हैं और ये दोनों फनकारों का बड़ी स्क्रीन पर पहला इश्तराक है।